वो क्या जगह है, काफी काम की चीजें होंगी। ओह ये क्या है? परफेक्ट टाइम। ओह नहीं भागो, यहाँ क्या हो रहा है? घबराओ मत, मैं आ रही हूँ डैड। जरा अलार्म बंद कर दूँ, यहाँ चोरी हुई है ज्वेलरी। ये सब यही है और गोल्ड भी, भगवान का शुक्र है। ये सब गया डैड, मेरी डॉल की कपड़े वो सब ले गया। स्वीटहार्ट मुझे माफ कर दो, ये लूटे शोलो। मैं जानता हूँ क्या करना है। सबसे पहले बलून के नीचे का हिस्सा काटें, अब बलून को फोल्ड करें और इसके साइड से एक छोटा सा पीस काटें। अब इसे खोलें, आपके डॉल के लिए नया आउटफिट बन गए। अब हमें इसे ये पहना देना चाहिए। एक और बलून के नीचे का हिस्सा काटें, इससे बढ़िया लेगिंग्स बन जाएंगी। एक बड़े बलून का अलग रंग डालने के लिए एक बड़ा सा बलून लें, ऊपर और नीचे से इसे काटें। अब इसे डॉल के लातों में पहना दें। कितनी बढ़िया स्कर्ट बन गई, उसे कैट वॉक करनी चाहिए। मैंने तुम्हारी डॉल के लिए नया वार्डरोब तैयार कर दिया। वाह डैडी, कमाल का लग रहा है, ये कितनी फैशनेबल है। हेलो, मुझे तुम्हारी ड्रेस पसंद आई। तुम नए कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। नाइटी नाइट। इसे जला कर नहीं सो सकती। वुप्स, मैं कितनी बुद्धू हूँ। लगता है नीचे भी कोई है। ओह जरा ये तो देखो, मैं इस सामान के बारे में तो भूल ही गई थी। ये क्या है? बार्बी, मैंने तुम्हें कितने सालों से नहीं देखा। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें प्यार करूंगी। बार्बी, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ, शायद ये सपना है। उम्मीद तो है। हाँ? बहुत असली लग रही थी, पर ये डरावनी बार्बी ठीक कह रही थी। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, घबराओ मत। मेकओवर टाइम। तुम पर थोड़ा काम करना बनता है, तुम्हारी आउटफिट से शुरू करते हैं। तुम्हें रेड पसंद है ना? बस पेन को इस तरह आगे पीछे करना है, इतनी लेंथ काफी है। कितना प्यारा लग रहा है, तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? और तुम्हें तो शॉपिंग भी नहीं करनी पड़ी। अब प्यारे प्यारे सपने आएंगे। ये अच्छा है, अच्छे से सुना दोस्त। एक नई ड्रेस, थैंक यू। मुझे कलरिंग बहुत पसंद है। मॉम, मैंने कार बनाई, अब मुझे और पेपर चाहिए। ओह ठीक है हनी, ये लो। मैं एक पर्पल सन बनाऊंगा, मुझे और पेपर चाहिए मॉम। इतनी जल्दी कर लिया? हाँ लो। ओ, पेपर तो खत्म हो गया, माफ करना हनी, और ड्राइंग पेपर नहीं है। ओह नहीं रो मत, कोई बात नहीं, मुझे पता है क्या करना है। मुझे एक कार्डबोर्ड का पीस चाहिए, अब एक ड्राइंग बनाएंगे। आर्ट क्यूब में मुझ पर ही गया है। जी हाँ, ड्राइंग बन चुकी है, अब हम इसे पैकेजिंग टेप से लेमिनेट करेंगे। हो गया, इसे साथ में जोड़ दे। हे हनी, देखो मेरे पास क्या है, तुम्हें इस टर्टल को कलर करना है। देखो इस तरह, और तुम जितनी बार चाहो उतनी बार इसको कलर कर सकते हो। बढ़िया है ना? मुझे दो। मैं इस हॉर्सी को कलर करूंगा। क्या दिन है, चलो तुम्हारी मम्मी से मिले। हाय, तुम्हारे स्कूल में दिन कैसा रहा? तुम्हारी शूज, ये तुमने उल्टे पहने हुए हैं। हे मामी। हेलो डार्लिंग। स्कूल तो बहुत बोरिंग था मामी। मेरे काम का दिन भी, डिनर में क्या है? अरे तो कोई बात नहीं, तुम अपने शूज उतारो और जाओ खेलो। मैं जा करूंगी। इसे ठीक करना होगा, और मुझे पता है क्या करना है। इन शूज से इंसोल्स निकाल लें, एक पेपर पर कार्टून कैरेक्टर प्रिंट करें और उसे आधे में काट लें, और पेपर के दूसरे हिस्से पर ग्लू लगाएं।
अब लेफ्ट वाले इंसोल पर प्रिंट आउट का लेफ्ट साइड लगाएं और राइट वाले पर राइट वाला लगाएं। अब इंसोल्स को इनके शूज में डालें और अब आप बता सकते हैं लेफ्ट वाला कौन सा है और राइट वाला कौन सा। तुम बाहर जाकर क्यों नहीं खेलती? ये मम्मी मेरे शू में बनी है पर ये फनी लग रहा है, अब ठीक है। वाह ये कितना आसान था ना। तुमने कर दिखाया स्वीटी, गुड गर्ल। कुछ अलग लग रहा है, रुको मैं समझ गया। मेरी शूज ये मुझे देख रही है। अगर मैं शायद ऐसा कर दूं, ये ट्रिकी है। समझ गया, अगर मैं ये वाला यहाँ रखूंगा। समझ गया, बच कर मैं तो बुद्धू था, अब काफी बेहतर है। फिर मिलेंगे मामी। मेरा परिवार कितना प्यारा है, बेवकूफ है पर प्यारा है। तो हनी चलो मैं तुम्हें तुम्हारा नया प्ले रूम दिखाऊं। सुंदर है ना? हाँ? वाह यहाँ तो बहुत कुछ है। ओह यहाँ बहुत चीजें खतरनाक है। नहीं हनी तुम यहीं रुको, आगे मत बढ़ो, मैं जरा पहले देख लूं। इस कमरे को सेफ्टी प्रूफ करना होगा, सारी नुकीले कोनों को कवर करना होगा, सब पर डक्ट टेप लगेगी। ठीक है लगता है अब ये सेफ है, बहुत मेहनत का काम था। हाँ हनी तुम खेलने के लिए तैयार हो? ओए, आओ, मैं गिर गई। ये खेलती है। रुको हेलो मत, बच गया। मुझे यहाँ थोड़ी और टेप लगानी होगी, एक स्ट्रिप यहाँ फर्श पर। अब मैं इस पर रग लगा देता हूँ, लो इससे अपनी जगह पर रहेगा। हाँ अब मजे करो, ये खेलती है। चॉकलेट स्प्रेड। गुड मॉर्निंग, अच्छे से सोए? ये पक्का चॉकलेट ही है ना, कुछ और तो नहीं? बहुत टेस्टी है, नम 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 नम। थोड़ा सा और लगाना चाहिए, लो। अरे नहीं ये सब तुम्हें किसने सिखाया? ओ रुको मैंने, खैर मुझे इसे साफ करना होगा। इस जार में तो कुछ और है, एक केला। या कम से कम वो फ्रूट खा रहा है, देखते हैं इसमें और क्या है। सोडा, ये हो कैसे सकता है? ठीक है लड़के हमें इसका कुछ करना होगा, चश्मा उतारो। मामी मैं पिछले हफ्ते ही नहाया था। कोई बहाने नहीं इसे साफ करना ही होगा। मामी मुझे सोडा चाहिए, पानी नहीं, इसका टेस्ट गंदा है। रोना बंद करो, इस सोप डिस्पेंसर से मुझे एक आइडिया आया, चलो मुँह साफ करो। हम खाना खाएंगे। रुको तुम और गंद मचा रहे हो, ये ट्राई करो। स्कोरी चॉकलेट, वाओ। ये लो इस चॉकलेट से कोई गड़बड़ नहीं होगी, हम इसे फैलाएंगे। मुझे दो मुझे दो मुझे दो, यमी यमी, और मुझे ऐसे ही पसंद है। खाओ स्वीटी। ओह हाय प्रिंसेस, वो कितनी प्यारी है। मैं बात के लिए रख लेती हूँ, मुझे भूख लग रही है। डैड मुझे स्नैक चाहिए। ठीक है ये लो। ठीक है अभी मुझे और नहीं चाहिए, ये कैंडी अच्छी है। ओह हाँ मेरे लॉलीपॉप। एव ये बहुत गंदा है, मेरी लॉलीपॉप खराब हो गई। ओह हे भगवान। ओह कोई बात नहीं मेरे पास एक और है। हाँ लगता है मेरे पास एक जीनियस आइडिया है, ये फिट आ गया। ये रही तुम्हारे लिए एक नई लॉलीपॉप। ये लो ये वाली आप ले लो। नई वाली बात के लिए रख लेती हूँ, मैं अपनी बीच बॉल के साथ खेलने जा रही हूँ।
चलो यहाँ देखते हैं ये कहाँ चले गए। ओह हे भगवान, इन नाइफ्स को तो देखो, ये मेरे घर में नहीं हो सकते। अगर मेरी एंजल यहाँ तक पहुँच गई तो क्या होगा, वो इन यूटेंसिल्स से खुद को नुकसान पहुँचा सकती है। ओह नहीं नहीं नहीं, मैं इन्हें यहाँ बिल्कुल नहीं रख सकती, मुझे इन्हें किसी ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ उसका हाथ ना जाए। ये काफी बेहतर है, अब वो सुरक्षित रहेगी। ठीक है, मैं उसके यहाँ से थोड़े खिलौने उठा देती हूँ। एक सेकंड रुको, इस टेबल का ये कोना तो बहुत शार्प है, ये तो नाइफ से भी खतरनाक है, उसकी इसमें टक्कर हो सकती है। और नहीं, उसके छोटे छोटे घुटने नहीं, मैं इस टेबल की वजह से उसे रोने नहीं दे सकती। हे भगवान, ओह नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने घर में ऐसे टेबल को बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। हाँ, पिलोज ने सभी कोनों को अच्छे से सिक्योर कर लिया है, अब ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है, वो यहाँ बिल्कुल सेफ रहेगी। दरवाजा बंद करना नहीं भूल सकते। रखो आउटलेट्स, घर के आउटलेट्स। नहीं, वो क्या कर रही है, उसे चोट लग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरी बेबी नहीं, अभी के अभी रुक जाओ, तुम आउटलेट में अपना हाथ कभी नहीं दोगी। आह, अपने आप को देखो, तुम बहुत गंदगी फैलाती हो, लाओ मैं तुम्हें साफ कर दूं। ओह मैं तुम्हारा क्या करूं। हे एक सेकंड रुको, इन वाइप्स का ढक्कन मेरे काम आ सकता है। हाँ ये जरूर काम आएगा, मुझे बस थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस करनी है। ये देखो, मैं इस ढक्कन को उतार सकती हूँ और इसे आउटलेट के ऊपर चिपका दूंगी। अब ये वॉल कवर बन गया है, इससे उसकी उंगलियाँ सॉकेट से दूर रहेंगी। ठीक है, अच्छे से रहना, मॉमी जा रही है। एक सेकंड रुको, आरम! ओह, मैं कभी घर से बाहर नहीं जा सकती। ओह, बढ़िया है, मैं इससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ। ओह, पॉपकॉर्न खत्म हो गए। कोई बात नहीं डियर, मैं कुछ करती हूँ, तुम यहीं रहो। पैन में कॉर्नल्स डालेंगे और इन्हें हीट करेंगे। तुम्हें एक क्रंची पसंद है ना, पके हुए। खैर ये तो कचरे में जाएंगे, दोबारा ट्राई करते हैं, शायद ये काम करे। बस हो ही गया। मैं तैयार हूँ, पता नहीं अभी क्या हो जाता। पर ये रहा पॉपकॉर्न, देखो। हाँ बहुत अच्छे, हमें ये चाहिए। पॉपकॉर्न मेकर में मैं कर्नल्स डालती हूँ, इस तरह कवर लगा देंगे और अब इसे ऑन करेंगे। ओह कुछ तो हो रहा है, वाओ पॉपकॉर्न बन रहे हैं, इतने सारे स्वादिष्ट पॉपकॉर्न। बहुत आसान है ना। ये मेरा फेवरेट पॉपिट है, मुझे बटरफ्लाईज बहुत पसंद है। हे भगवान, मेरी छोटी सी प्यारी सी एंजल। ओह हाय, मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा, तुम कैसे हो। चलो वॉक पर चलें। या तुम चल रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं? ओह देखो डॉली, एक पूल। मुझे तैरना बहुत पसंद है। वाओ तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें पानी पीना चाहिए। ये लो, अब कैसा लग रहा है? ओह नहीं, वो कहाँ चली गई? ओह वो वहाँ पर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, पिछली बार के मुकाबले अब ये बड़ी हो गई है। डॉली ये अच्छा मजाक नहीं है। ओह वो देखो वहाँ पर एक बॉल है। ओह ये बॉल अच्छी भी है, मुझे पसंद आई, ये रेड और ब्लू है। हे वापस आ बॉल, कहीं मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। वो बॉल देखो, ये पेड़ कितना लंबा है, ये तो बहुत बहुत ऊंचा है, ये सबसे बढ़िया पेड़ है। पेड़ पेड़, मैं तुम्हें हिला सकती हूँ। हे मजाक कर रही थी, मुझे ये बुक बहुत पसंद है। हाँ रखो, वो कहाँ चली गई, वो कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, वो गुम गई, वो यहाँ कहीं भी नहीं है। ये रही उसकी डॉली, पर वो तो इसे हर जगह लेकर जाती है, वो कहाँ है? एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या आपने इस छोटे बच्चे को यहाँ कहीं देखा है? वो ऐसी दिखती है। ओह हमें माफ कर दीजिए, हमने तो इसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं देखा, वो कहाँ जा सकती है? ओह मेरा फोन, हेलो। हाँ हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। ओह वो कहाँ पर है? ओह मेरी एंजल, मेरी डार्लिंग, मम्मी तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। हाय मम्मी,
ओह, इसे वापस लाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे कॉल कैसे किया? इसके हाथ में ये ब्रेसलेट था, मैंने इस नंबर पर कॉल कर लिया। हे भगवान, मैं भूल गई थी कि ये ब्रेसलेट मैंने बनाया है। मैंने फिशिंग लाइन और थोड़े बीट्स लिए, इसे सुंदर बनाने के लिए हार्ट्स, लेकिन मेरा फोन नंबर भी, आखिरकार उसका नाम भी। खैर, एनी को मेरे पास लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपने हीरो को गुड बाय बोल दो एनी। देखो मामी। क्या? अभी नहीं, मैं अपना शो देख रही हूँ। मामी ने अभी क्या कहा डार्लिंग? जाओ वहाँ जाकर खेलो। ओप्स, मुझे ये गेम पसंद है। मामी कितनी बुद्धू है। देखो मामी, आपका सर रोड है। अब बहुत हुआ, इधर आओ। सॉरी मामी, मैं आराम से बैठ जाऊंगी। बहुत देर हो गई। मैं फर्श पर टेप चिपकाऊंगी और थोड़ी और स्ट्रिप, फिर अब हम बाहर आ सकते हैं? अभी नहीं, मम्मी काम कर रही है। इस मार्कर से थोड़ी डिटेल्स बनाएंगे। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? हो गया। स्वीट हार्ट, जरा इधर आओ, मम्मी के पास एक सरप्राइज है। मुझे सरप्राइजेस पसंद है। तुम्हें कैसा लगा? वाह, ये तो रोड है, मेरी कार उस पर चल सकती है। थैंक्स मम्मी, मैं इसे ट्राई करूं। विम, विम, विम। विम। वो कितनी प्यारी है, अब मैं आराम से टीवी देख सकती हूँ। क्या नींद आई, मैं तैयार हो जाती हूँ। पहले टेप ब्रश करेंगे। ग्रैंडमा ने दोबारा सारी टूथपेस्ट यूज कर ली। शुक्र है यहाँ और है। और अब मैं इंतजार करूंगी, यहाँ पर छिपकर मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगी, तब मैं छिपना सही रहेगा। पर शांत रहना होगा, लगता है वो आ गई। बहुत ही बुरी बदबू है, मैं आजकल क्या खा रही हूँ। वो आ गई, मैं दांत साफ कर लेती हूँ। बहुत ही स्लो है, इंतजार करते हुए थोड़ी मस्ती हो जाए। बस पहुँच ही गए, बस कुछ कदम और। पहुँच ही गए, चलो स्क्रब करें। टूथपेस्ट कहाँ है? आहा, थोड़ा स्क्वीज करेंगे, थोड़ा और। पकड़े गए, मतलब बोलो डियर, कुछ हुआ है? मुझे टूथपेस्ट दो। अब कोई टूथपेस्ट डिस्पेंसर इस्तेमाल करना चाहिए, ऊपर टूथपेस्ट लगेगी। अब इसे दीवार पर लगा देंगे, जब आप लेवर को पुश करेंगे तो जितनी टूथपेस्ट चाहिए उतनी आ जाएगी। देखा कितना बढ़िया गैजेट है। बस मॉम ना सुन ले। मैं आ ही गई। मैं कैसी लग रही हूँ? शानदार, मेरे बाल भी अच्छे लग रहे हैं। ओह, इससे पहले मॉम देख ले, मैं ये हैट हटा देती हूँ। मैं अपने बाल खराब नहीं करूंगी। लो, चलो चले, इतनी जल्दी नहीं, वापस आओ। तुम ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? बाहर ठंड है, तुम्हें हैट चाहिए। मॉम, यहाँ हैट्स नहीं है, तो मुझे ऐसे ही जाना होगा। पहले तो हैट्स यही थी। सुबह इसे मैं देखती हूँ, मुझे बस ये कैंची चाहिए। इस हुडी की स्लीव को काटेंगे, इसे कोने से फोल्ड करके नॉट में बांधेंगे। काफी जोर लगता है। लो, एक प्यारी सी हैट बन गई। ऐसे ही रहो, मैं तुम्हें ये पहना देती हूँ। हो, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, मैं एक नोम जैसी लग रही हूँ। मुझे शुक्रिया मत कहो, चलो जाओ, तुम्हारा दिन अच्छा हो। ये बहुत शर्मनाक है। मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है। हे मॉम। ओह मॉर्निंग स्वीटी, मैं तुम्हारा मनपसंद सीरियल बना देती हूँ। इस उम्र में तुम्हें यही चाहिए होता है, दूध कैसे भूल सकते हैं। लो खाना शुरू करो। सीरियल? यक, क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास और क्या है?
ओह, एक फ्रूट का बॉल, ये चलेगा, ये खा लो। चॉकलेट? सच में? ये मुझे दो। अब फ्रूट खाओ। फ्रूट? पर ये बकवास है। इसके बजाय मैं चॉकलेट खाऊंगा। और अपना चेहरा साफ करो। गमी वर्म्स। कैसे? कहाँ से? जो भी है, ये मुझे दो। ठीक है। ये सीधा कचरे में जाएगा। मैंने उसके लिए कितनी कोशिशें की। ये क्या है? ओह, इससे मुझे एक आइडिया आया। फ्रूट प्यूरी से एक मोल्ड को भरें। अलग-अलग फ्रूट्स लें, जैसे एप्पल्स और स्ट्रॉबेरीज। जब मोल्ड भर जाए, तो इसमें पॉप्सिकल स्टिक्स डालें। सेट होने के लिए फ्रीजर में रख दें। उस मोल्ड से निकालकर इसे बड़े मोल्ड में रख दें। अब इनके ऊपर दूध डाल दें, अच्छे से भर दें। अब इन्हें वापस फ्रीजर में डाल दें। अब इस पॉप्सिकल को चॉकलेट में डुबोएं। अब इस पर स्प्रिंकल्स डाल दें। अब ये नाश्ता काफी हेल्दी पॉप्सिकल्स का होगा। तुम सीरियल या फ्रूट्स तो खाओगे नहीं, तो ये क्यों नहीं ट्राई करती? सच में? लाजवाब, ये नाश्ता सबसे अच्छा है। शुक्रिया मॉम। कुछ बहुत तेज लगी। मॉम, मॉम, मदद करो। क्या हुआ है? हे भगवान, तुम ठीक तो हो? बेचारी बच्ची, क्या हुआ है? ओ, इसे टच मत करो मॉम। मॉमी सब ठीक कर देंगी। एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हारा फोन ले लूं। पापा, कितना एडिक्टिव है। मॉम, यहाँ मेरा खून आ रहा है। हे, क्या? ओ, माफ करना, मैं अभी आती हूँ। वाह, उन्हें फर्क भी पड़ता है या नहीं? मॉम, आप यहाँ हो? मेरी बच्ची क्या कर रही है? देखो मैं क्या लाई। ये तुम्हारी एल्बो के लिए, ये नीज के लिए और ये सर के लिए। वाह, थैंक्स मॉम। अब मैं अपने स्केटबोर्ड से जितनी बार भी गिरूं, मुझे चोट नहीं लगेगी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। और अब तुम सेफ हो। मैं बाहर जाकर खेलूं? बिल्कुल, जाओ। मेरी मॉम सबसे अच्छी है। वी! ये मेरा है। तुम पागल तो नहीं हो? मेरा केस सबसे अच्छा है। मेरा नहीं, मेरा, 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 मेरा। हे गाइस, मुझे यहाँ बैठना है। हाँ, मैं अपना सामान निकाल लेती हूँ। तुम अभी भी बहस कर रहे हो? जरा इसे देखो, ये प्यारा है ना? बिल्कुल नहीं, ये सबसे अच्छा है। रॉक, मेरा केस तो काफी प्लेन है। ओह, इस पॉपेट केस से मुझे एक आइडिया आया। मुझे बस थोड़ा पेंट और ये केस चाहिए। पॉपेट का एक सेक्शन पेंट से भरे, बिल्कुल इसी तरह। हर सेक्शन के लिए अलग अलग पेंट इस्तेमाल करें। जब ये हो जाए, तो अपना फोन केस में लगाएं। जब तक पेंट सूख नहीं जाता, तब तक इंतजार करेंगे और फिर केस को निकाल लेंगे। वाह, कितने अच्छे से काम किया। जरा इसे देखो। वाह, इन रंगों को तो देखो। मेरे फोन पर भी कर दो प्लीज। नहीं, इस पर करो। मैं तुम्हारा होमवर्क करूंगा, मैं कर दूंगा। ये अच्छी नहीं है, जाओ। मैं इतनी बदसूरत हूँ या वो बहुत ज्यादा बुरी है? जाओ। शायद उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। हाय। हाँ, जाओ। शायद मैं समझी नहीं। ओह, मैंने तुम्हें देखा नहीं। आओ। ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो। ये लीजिए। काफी दिलचस्प है। तुम्हारी आंखें सुंदर हैं। बुरा नहीं है। खासकर ये अजीब सा एंगल। पर ओवरऑल ये बोरिंग है।
नहीं। ठीक है। जाओ। अरे यार, इन फैब्रिक पैटर्न्स को तो देखो, तो उसे ये पसंद है, तो मैं कुछ अच्छा बना सकती हूँ। इस तरह की लाइन पैटर्न से शुरू करें। रुको, अब कॉन्ट्रास्टिंग कलर से एक नया डिजाइन बनाएं। दिलचस्प लग रहा है ना? पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। ये रंग साथ में अच्छे लगते हैं। और ये पूरा हुआ लगभग। ओह मिस, मैं इस बार नई पिक्चर्स के साथ आई हूँ। तुम दोबारा आ गई। परोसा कीजिए, आपको इफेक्ट्स पसंद आएंगे। मैं बाद में कॉल करती हूँ। ये तो काफी अनोखा है। हमारी एजेंसी यही ढूंढ रही है। तुम्हारा स्वागत है। बहुत बढ़िया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अब मैं मॉडल हूँ। चलो नहाए हनी, तुम एकदम साफ सुथरा होना है ना? नहीं। ग्रेनेड! ये मजाक नहीं है। रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया। चलो बेकिंग सोडा और लेमन जूस से नहाने को और मजेदार बनाते हैं। अब इसमें फूड डाई डालें, हमें थोड़ा कलरफुल भी तो चाहिए। और अब इसमें ऑलिव ऑयल डालें और इसे मिक्स कर दें। और आखिर में मिक्सचर कुछ ऐसा दिखेगा। परफेक्ट। मोल्ड को मिक्सचर से भर दें। अलग अलग रंगों के लिए फूड डाई इस्तेमाल करें। अब इसे मोल्ड में दबा दें, अच्छे से पैक कर दें। एक और मोल्ड के साथ भी ऐसा ही करें। अब इसे साथ में जोड़ दें। अब मोल्ड को निकाल दें और ये बन गया होममेड बाथ बॉम्ब। जेरेड, देखो मेरे पास क्या है। हो, वाओ, चलो खेलें। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। रुक जाओ बॉम्ब, मैं यहाँ चिप जाऊंगा। मेरे सीक्रेट वेपन की बारी। वो! देखो मॉम, पानी का रंग बदल गया। मुझे बहुत पसंद है। ये रहा एक और स्वीटी। ओह, ये तो बबल बना रहा है। शानदार, मुझे हर रोज नहाना है। ये हुई ना बात।